नमस्कार दोस्तों, एशिया कप 2018 काफी जल्द शुरू होने वाला है और पहला मैच भारत का जो है वो है हांगकांग से, जो कि 18 तारीख को खेला, भारतीय समय अनुसार 5 बजे खेला जाएगा, ये 5 PM पर। तो कोहली के बिना इस बार भारतीय टीम कुछ इस प्रकार हो सकती है, क्योंकि कैप्टन रोहित शर्मा है और कैप्टन शिखर धवन। तो ओपनर होंगे भारतीय टीम के, पारी की शुरुआत रोहित और शिखर ही करने वाले हैं, क्योंकि दोनों की जोड़ी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करती हुई आई है। रोहित शर्मा जिस तरह के शानदार बल्लेबाजी करते हैं ओपनिंग में, और वहीं पर शिखर धवन भी उसी तरह का शानदार खेल दिखाते हुए आ रहे हैं, तो कोई शक नहीं। अब हम देखते हैं टॉप ऑर्डर में कौन से बल्लेबाज बल्लेबाजी करने उतर सकते हैं। तो टॉप ऑर्डर में नंबर 3 पर होंगे लोकेश राहुल अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं ओडीआई में और T20 में, हालांकि टेस्ट में उतना अच्छा प्रदर्शन किया नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इनको जगह मिलेगी। इसके बाद अंबाती रायडू ने IPL में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया था, एक बार फिर उसी तरह का प्रदर्शन की उम्मीद होगी यहाँ पर नंबर 4 पर। मिडिल ऑर्डर के नंबर 5 पर होंगे महेंद्र सिंह धोनी, शानदार तरीके के फिनिशर और एक शानदार विकेट कीपर बल्लेबाज। तो मिडिल ऑर्डर में MS धोनी होंगे नंबर 5 पर, और मिडिल ऑर्डर की बात करें तो KL राहुल, अंबाती रायडू और MS धोनी में से ये 3 खिलाड़ी होंगे, लेकिन इनका बल्लेबाजी का स्थान अलग अलग हो सकता है। वहीं पर लोअर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर हम 2 खिलाड़ियों को जगह देते हैं, जिसमें से केदार जाधव और हार्दिक पांड्या, दोनों अच्छी गेंदबाजी भी कर लेते हैं एक अलग ही प्रकार के एक्शन के साथ। केदार जाधव शानदार गेंदबाजी करते हैं, तो ये दोनों होंगे लोअर मिडिल ऑर्डर में ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। बॉलर में यहाँ पर होंगे टेलेंडर, यहाँ पर होंगे तो टेलेंडर में हम सबसे पहले चुन लेते हैं कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को, दोनों अच्छे स्पिन गेंदबाज है और इन दोनों की जगह इस समय भारतीय टीम में पक्की है स्पिन गेंदबाजी में। और वहीं पर तेज गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार टीम के लिए रोल निभाएंगे यहाँ पर तेज गेंदबाजी का, दोनों शानदार गेंदबाजी करते हैं और डेथ और स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं दोनों, एक शानदार प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं अंतिम ओवर में, भारतीय टीम के लिए अच्छी तरह से रन रोकते हैं। तब जो टीम में बाहर रहेंगे वो दिनेश कार्तिक, मनीष पांडे, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल और खलील अहमद, इन बल्लेबाजों को यहाँ पर टीम में जगह नहीं मिल सकती। आप भी कमेंट करके बताइए हमें, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप बता सकते हैं हमें कॉमेंट करके कि कौन सा खिलाड़ी इस टीम में होना चाहिए। और धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।